वेलकम फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं, कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं इन बिटवीन फर्स्ट टू पोर्टुगीज गवर्नर्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में प्रथम दो पुर्तगाली गवर्नरों के बीच हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन दोनों की नीतियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा, जहाँ तक पुर्तगाल का सवाल है, भारत पर सबसे ज़्यादा इन दोनों की नीतियों ने प्रभाव डाला। इसलिए हम इन दोनों के बीच एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्तगाल, देखिए ये पूरा यूरोप है और इसमें यहाँ पर ये पुर्तगाल है। ठीक है, तो ये पुर्तगाल जो है ये प्रथम यूरोपीय देश था जो समुद्र के रास्ते से भारत पहुँचा था व्यापार के इरादे से। ठीक है, बेसिकली यहाँ का एक मैरिनर या समुद्री यात्री या व्यापारी जो भी कह ले, वास्को डी गामा, ठीक है, इस मार्ग से होते हुए 1498 में इस मालाबार तट पे पहुँचा। और मालाबार तट पे कहाँ पहुँचा? केरल पहुँचा। केरल में कहाँ पहुँचा? तो कालीकट पहुँचा। तो ध्यान रखिएगा, मालाबार तट पे कालीकट पहुँचता है और कालीकट का आधुनिक नाम यानी कि मॉडर्न नाम जो है, मॉडर्न नेम, वो है कोझिकोड। तो यहाँ पे ये पहुँचता है। तो इस तरह से यूरोप और भारत जो है आपस में जुड़ेंगे समुद्री मार्ग से। और देखिए इन पुर्तगालियों के आने का कारण क्या रहा। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद आप देखेंगे कि डच आएंगे, यानी कि नीदरलैंड वाले आएंगे। ये नीदरलैंड है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा देश नीदरलैंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा देश ब्रिटेन आएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पर डेनमार्क वाले, देखिए यहाँ पे डेनमार्क है। चौथा देश यहाँ पे फ्रांस आएगा, ये फ्रांस जो है ये आएगा भारत, सब समुद्री मार्ग से आएंगे। और एक और देश है, पांचवा देश हो गया ये, कौन? फ्रांस। पहले पुर्तगाल आएगा, फिर डच आएंगे, यहाँ पर डच है, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, फिर डेनिस आएंगे यानी डेनमार्क वाले आएंगे, फिर पांचवा देश ये फ्रांस हो गया। और उसके बाद एक और देश आता है, देखिए ये दो देश इधर मिलेंगे आपको यूरोप में इस तरफ, एक है ये नॉर्वे और एक है स्वीडन। तो ये स्वीडन आता है छठे देश के रूप में। तो इस तरह से आप देखेंगे छह देशों को जो कि भारत आते हैं। लेकिन आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में चार ही प्रमुख देशों को पढ़ना होगा। पहला देश पुर्तगाल, दूसरा देश ये नीदरलैंड यानी डच, तीसरा देश ब्रिटेन और चौथा देश ये फ्रांस। यही प्रमुख चार देश हैं जिन्होंने कि भारत की राजनीति को, धर्म को, हाँ, समाज को प्रभावित किया। और अंत में तो ब्रिटिशर्स ने सबको मात देकर अपनी सत्ता कायम की यहाँ पे, और 1947 में ब्रिटिशर्स देश छोड़कर जाते हैं। तो आपने ये देख लिया कि ये प्रमुख यूरोपीय देश जो हैं, पुर्तगाल, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स और फिर ये फ्रांस, ये चार प्रमुख देश जो हैं, इन्हीं का प्रभाव आप देखेंगे भारत पर। ठीक है, तो ये आखिर इन देशों को इस मार्ग से आने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मैं बार बार बताते रहता हूं, क्योंकि तभी आप इस विषय वस्तु को समझ पाएंगे। देखिए, मध्यकाल में यूरोप का और भारत का व्यापार चलता था, और यूरोप के लिहाज से भारत से व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि यूरोप में भारतीय मसालों की, स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यहाँ से ब्लैक पेपर, इलायची, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, उसके बाद इलायची, लौंग, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और खासकर काली मिर्च की तो बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। और ऐसा क्यों था? देखिए, यूरोप का जो क्षेत्र है वो ठंडा क्षेत्र है, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ के लोग मांस का सेवन ज़्यादा करते हैं, और उस समय रेफ्रिजरेटर और फ्रिज जैसी चीज़ें नहीं होती थी, तो ये भारतीय मसालों को ही मांस पर लगा कर रखते थे। हाँ, मांस पे भारतीय मसालों को लगाते थे और उसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके यानी बचा कर रखते थे। ठीक है, इसलिए यूरोप में भारतीय मसालों की डिमांड थी, और इसलिए यूरोपियंस के लिहाज से भारत से उनका व्यापार बहुत ज़रूरी था। और ये व्यापार दो मार्ग से होता था, एक ये सड़क मार्ग था, भारत पाकिस्तान, आज अगर देखे तो उस समय तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो यहाँ पाकिस्तान और भारत उस समय एक ही थे, उस समय सब भारत था, ये भारत है, और आज का पाकिस्तान है, उस समय ये भारत में ही था। तो ये भारत
अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की होते हुए लोग यूरोप पहुंच जाते थे। यानी कि अगर भारत से आपको यूरोप पहुंचना है तो तुर्की जाना अनिवार्य है, या यूरोप से आपको भारत आना है तब भी तुर्की आए बगैर आप भारत नहीं पहुंच सकते। तो एक मार्ग ये सड़क मार्ग था, और दूसरा मार्ग था ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग। ठीक है, यहाँ पानी के जहाज से भारतीय क्षेत्रों से सामान चढ़ा लिया जाएगा और फिर सामान को इस फारस की खाड़ी से ले जाया जाएगा, या फिर ये लाल सागर, रेड सी से, ये पानी वाला जगह है, उसके बाद इन क्षेत्रों से ले जाया जाएगा और फिर इसको ये अरबियन पेनिसुला पर जमीन पे उतार लिया जाएगा। ठीक है, सामान को, और फिर कुछ दूर तक सामान जमीन पे चलेंगे अरबियन पेनिसुला पे, और फिर इनको इस भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में उतार लिया जाएगा। ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ उतार लिया जाएगा, और फिर यहाँ से सामान चलेंगे यूरोप की तरफ, और फिर यूरोप के पूर्वी तट पर जो देश हैं जैसे इटली है, फ्रांस है, हाँ, इन सब जगहों पर, इस यहाँ के बंदरगाहों पर इन सामानों को उतार लिया जाएगा, और फिर यहीं से पूरे यूरोप में उन व्यापारिक सामानों का की सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से व्यापार चलता था, चाहे इधर से लोग इधर आते थे या इधर से लोग इधर जाते थे। तो ठीक है, तो ये आपने दो मार्ग देख लिया, यानी कि जब सड़क मार्ग से आप जाएंगे तो तुर्की जाना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए आखिर इन यूरोपियंस को इस मार्ग की तलाश क्यों करनी पड़ी थी। तो मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पर एक जगह है कुस्तुंतुनिया, यहाँ पर एक जगह है कुस्तुंतुनिया, जिसका कुस्तुंतुनिया, यही कुस्तुंतुनिया है, कॉन्स्टेंटिनोपल भी इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं आज इंस्टानबुल, ये आज तुर्की के नियंत्रण में है। तो हुआ क्या था कि ये पूर्वी रोमन साम्राज्य, या उसको आप बैजेंटिया साम्राज्य कहें या आप उसको बैजेंटाइन एम्पायर कहें, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी यही कुस्तुंतुनिया, लाल वाला जो मैंने यहाँ पर क्षेत्र दिखाया है यही कुस्तुंतुनिया था। तो हुआ क्या था कि 1453 में यहाँ से इस तुर्की से एक ऑटोमन तुर्क्स, या ऑटोमन एम्पायर कह सकते हैं, यहाँ से ऑटोमन एम्पायर का उदय होता है, और ये ऑटोमन तुर्क्स क्या करते हैं कि इस कुस्तुंतुनिया पे अधिकार कर लेते हैं, बैजंतिया साम्राज्य को ये हरा देते हैं, और इस तरह से बैजंतिया साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुंतुनिया उस पर इनका अधिकार हो जाता है। और इस तरह आप देखेंगे कि ये जो कुस्तुंतुनिया है इस पर ये तुर्की का अधिकार हो जाएगा। अब ये कुस्तुंतुनिया, ठीक है, इस ये कुस्तुंतुनिया तुर्की के अधिकार में चला जाएगा, कुस्तुंतुनिया इस तुर्की के अधिकार में चला जाएगा। देखिए ये अगर मान ले इस फिगर को हम यहाँ बना ले तो यही कुस्तुंतुनिया है और ये तुर्की है। तो जैसे ही ऑटोमन तुर्क, या उसको उस्मानिया साम्राज्य भी कहते थे, इस कुस्तुंतुनिया पर अधिकार करेगी तो कुस्तुंतुनिया, जैसे ही पूर्वी रोमन साम्राज्य को हराएगी तो ये कुस्तुंतुनिया इसके अधिकार में आ जाएगा, तुर्की के अधिकार में। और ये घटना कब होगी, 1453 में, 1453 में ऑटोमन तुर्क्स जो हैं ये कुस्तुंतुनिया पे अधिकार कर लेंगे, और फिर ऑटोमन तुर्क्स का क्या होगा, इस कुस्तुंतुनिया पे अधिकार होने से ये सारा जो रास्ता है अब ऑटोमन तुर्क्स के अधिकार में आ गया। उसके बाद ऑटोमन तुर्क क्या करेंगे कि इस मार्ग को बंद कर देंगे, ऑटोमन तुर्क्स इस मार्ग को बंद कर देंगे, कुस्तुंतुनिया पे अधिकार हो गया और ऑटोमन तुर्क्स ने बंद कर दिया इस मार्ग को, अब यहाँ से व्यापारी आ जा नहीं सकते, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। अब दूसरा मार्ग ये बचता था, जब दूसरा मार्ग ये बचेगा तो यहाँ पर मोनोपोली हो जाएगी किसकी, अरब मर्चेंट्स की, अरबियंस की, और फिर ये क्या करेंगे, ये भी जब एक ही मार्ग बच जाएगा तो यहाँ के व्यापारियों को तमाम तरह से परेशान करना शुरू करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो इस वजह से व्यापारी जो है परेशान होकर इस मार्ग को भी छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये दोनों रूट बंद हो जाते हैं, और फिर यूरोपियंस को ज़रूरत पड़ती है समुद्री मार्गों की तलाश की, क्योंकि भारत से इनका व्यापार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको मसाले चाहिए यहाँ पर, हाँ, क्योंकि ये मांस का सेवन करते हैं, इससे उनको मांस खाने से उनको गर्मी प्राप्त होती है, तो मसाले तो चाहिए ही चाहिए। और इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन समुद्री मार्गों की तलाश थी कि, और इस दिशा में सबसे पहले मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, कि पुर्तगाल सबसे पहले पहुँचता है, उसके बाद प्रमुख देशों में फिर पहुँचेंगे ये डच, नीदरलैंड वाले, फिर तीसरा प्रमुख देश जो है वो है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के बाद हालांकि डेनमार्क आता है, और उसके बाद फ्रांस आता है, और फाइनली स्वीडन आता है, लेकिन हमें
ब्रिटेन के बाद प्रमुख देश के रूप में सिर्फ फ्रांस को ही पढ़ना है। तो यही चार प्रमुख देशों को हम देखने वाले हैं, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रांस, यही चार प्रमुख देश पहुंचेंगे यहां पर। तो पुर्तगाल मैंने बताया कि प्रथम देश बना, प्रथम यूरोपीय देश बना जो कि समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा, और यहां पर प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा बनकर आता है, यहां पर कालीकट पहुंचता है, यहां पर वास्को डी गामा यहीं पर कालीकट पहुंचता है, यहां पर ठीक है, वास्को डी गामा यहां पे पहुंचता है कालीकट। कालीकट कौन पहुंचेगा? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कब पहुंचेगा? ये पहुंचेगा 1498 में। और वास्को डी गामा के बाद एक और मैरिनर आता है, पेड्रो अल्वारेज, ये भी आता है ठीक है, ये दोनों आते हैं, ये 1500 में आएगा, 1498 के बाद पेड्रो अल्वारेज ये 1500 में आता है, 1500 एडी में ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बाद, इन दोनों के बाद भारत में गवर्नर्स को भेजने का सिलसिला शुरू होता है, और पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बन के आता है, और दूसरा गवर्नर बन के आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इनके बारे में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। देखिए भारत में, अब देखिए यहाँ पे ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है, हम कंपैरेटिव स्टडी करते जाते हैं, और ये गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और इसका कार्यकाल है 1505 में ये गवर्नर बनकर आता है, 1509 तक रहता है। ये भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर है और इसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक रहता है ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो अब इनकी नीतियों को समझिए, यही से आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। देखिए ये पूरा फोकस करेगा अपना पानी पे, वाटर पे, और किस पानी पे आपको देखना होगा, ये पूरा हिंद महासागर है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर इंडियन ओशन। तो देखिए ये जो पूरा अरब सागर है ये भी तो हिंद महासागर का ही हिस्सा है। अरब सागर, अरबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो ये पूरा जो है ये वाटर के क्षेत्र पे इसने फोकस किया हुआ है, इसका जो फोकस है वाटर पे है। ये जब गवर्नर बनकर आता है तो इसने अपने पहले के जो मैरिनर्स थे, वास्को डी गामा या पेड्रो अल्वारेज, ये जब आए थे तो उसी समय इन्होंने ये महसूस किया था, वास्को डी गामा हो या पेड्रो अल्वारेज हो, ये जब आते हैं भारत, इवन वास्को डी गामा तो जब पहली बार आया उसी समय इसको लग गया था कि यहाँ पे अरबियन मर्चेंट्स का बोलबाला है इस हिंद महासागर के क्षेत्र में। तो उसी समय इसको लगा था वास्को डी गामा को कि जब तक इस हिंद महासागर पे पुर्तगाल का नियंत्रण नहीं होगा तब तक भारत के साथ व्यापार करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे भारत के साथ व्यापार में ठीक है। तो इनको लग रहा था कि यहाँ पे अरब मर्चेंट्स का बोलबाला है, अरब के व्यापारियों का बोलबाला है इस हिंद महासागर, अरब सागर के क्षेत्र में। तो वास्को डी गामा ने भी यही सोचा कि उसके दिमाग में आया कि अगर लंबे समय तक भारत से इनको व्यापार करना है तो इनको इस पानी पे नियंत्रण करना होगा। पेड्रो अल्वारेज का भी लगभग यही ख्याल था, और जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है इनके बाद प्रथम गवर्नर जनरल बनकर, गवर्नर बनकर ठीक है, तो इसको पहले से ही पता है कि जब तक हम हिंद महासागर के पानी पे नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक यहां पर भारत के साथ एक तरफा व्यापार, माने व्यापार पर अपना वर्चस्व बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ये वर्चस्व बनाना चाहते हैं। इसलिए इसने कहा जब ये गवर्नर बनकर आता है, प्रथम गवर्नर पुर्तगाल का, तो इसने कहा कि भाई यहां पर मुझे क्या व्यापार करना है भारत के साथ, किस चीज का करना है, काली मिर्च का करना है, मसालों का करना है, यानी कि हर्ब्स का स्पाइसेस का करना है, या हर्ब्स का करना है ठीक है, यानी जड़ी बूटियों का करना है, या वस्त्रों का, इस बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, उसको साइड में रखते हैं ठीक है। यहां पर किन किन राजाओं से मुझे आकर संबंध बनाना है, अपना अच्छा रिलेशन करना है भारत के किन किन साथ, ये मुझे कोई इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। सबसे पहला मेरा क्या काम होगा कि मैं आऊं और हिंद महासागर के क्षेत्र में ये जो पानी वाला क्षेत्र है इस पर अपना वर्चस्व कायम कर लूं। बाद के जो लोग आएंगे हमारे पास, जो दूसरे गवर्नर आएंगे, वो सोचेंगे क्या व्यापार करना है,
भारत के किस क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व कायम करना है। तो देखिए इसका पूरा फोकस फ्रांसिस्को डी अल्मेरा का कहां रहेगा, वाटर पे, ध्यान रखिए पानी पे इसका फोकस है। जबकि उसके बाद का जो गवर्नर आएगा, द्वितीय गवर्नर भारत में पुर्तगाल का अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसका फोकस रहेगा लैंड पे। तो ध्यान रखिए इसका पानी पे और इसका लैंड पे हम कंपैरिजन करते चल रहे हैं। अब देखिए इसी से इनकी पॉलिसी भी निकलती चली जाएगी, इसी से, चूंकि इसने वाटर पे ध्यान केंद्रित किया, सिर्फ पानी पे कंट्रोल करने की बात सोची, इसलिए इसकी पॉलिसी क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे तो शांत जल की नीति या नीले जल की नीति। अब यह नीति क्या थी, इस नीति का मतलब था नियंत्रण। नियंत्रण कहां पे, तो हिंद महासागर पे, हिंद महासागर पे नियंत्रण, ठीक है, हिंद महासागर पे नियंत्रण। तो देखिए चूंकि इसका फोकस सिर्फ पानी पर था तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आता है। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, लोग पूछेंगे तो आप कहेंगे कि नियंत्रण कहां पर, तो हिंद के पानी पर, यानी कि हिंद महासागर पर। और इसीलिए एक बार क्या हुआ कि इनके पास, और ये कैसे इसने नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि इसके पास, हाँ, इसके पास नौसेना थी, पुर्तगालियों की नौसेना, नेवी बहुत स्ट्रांग थी। देखिए नेवी अगर स्ट्रांग नहीं रहती तो यहां पर वर्चस्व कायम करना मुश्किल था, क्योंकि देखिए अरब जो यहां पे अरबियंस थे वो सिर्फ व्यापार करना जानते थे, लेकिन ये जो थे पुर्तगाली लड़ाकू किस्म के भी थे। इवन जब वास्को डी गामा और पेड्रो अल्वारेज आए थे भारत में तो अपने साथ वो हथियार उथियार सब लेके आए थे, जरूरत पड़ेगी तो अटैक भी कर देंगे। और यहां पर देखिए इनके पास नौसेना है, यहां पर जो अरब मर्चेंट्स हैं, अरबियंस हैं, इनके पास हथियार नहीं होते थे, ये सिर्फ व्यापार करना जानते थे। तो इनकी नौसेना भी स्ट्रांग थी, इनके हथियार भी थे, और इसलिए ये अपने नौसेना के बल पर इन्होंने पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहां पर फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई अपने नीति के रूप में, और उसने नियंत्रण स्थापित किया हिंद महासागर पे। स्थिति देखिए यहां तक हो गई थी कि ये एक बार यहां पर देखिए मिस्र है, यहां पर है मिस्र, इजिप्ट, यहां पर है गुजरात, ठीक है, और यहां पर है तुर्की, ये तुर्की। इस फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने इन तीनों तुर्की, मिस्र और गुजरात के शासक को एक साथ इन तीनों को हिंद महासागर में हरा दिया, इन तीनों को इस हिंद महासागर में परास्त कर दिया। कौन कौन थे ये, मिस्र के शासक, इजिप्ट के शासक, गुजरात के शासक, तुर्की के शासक, तीनों को यहां पर हिंद महासागर में हरा देता है। और एक समय ऐसा आएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेरा के कंट्रीब्यूशन से पुर्तगाली जो हैं हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में बदल देंगे, इनको, इस हिंद महासागर को एक समय ऐसा आएगा कि पुर्तगाली सागर कहा जाने लगेगा। इन्होंने एक कार्टेज प्रणाली भी चलाया था हिंद महासागर में, कार्टेज प्रणाली। ये कार्टेज प्रणाली क्या थी, तो देखिए परमिट होता था जिस दूसरे व्यापारी को पुर्तगालियों के अलावा अगर इस क्षेत्र में व्यापार करना है, तो देखिए इन्होंने ब्लू वाटर के पॉलिसी के तहत कितना नियंत्रण कर लिया था हिंद महासागर पे, कि इन्होंने एक कार्टेज प्रणाली चलाई और कहा कि पुर्तगाली के अलावा अगर किसी और को इस क्षेत्र में व्यापार करना है तो उन्हें पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ेगा, यानी कुछ पैसा देकर उन्हें परमिट लेना पड़ेगा, तभी वो इस क्षेत्र में अपने जहाज को ले जा सकते हैं। और जब कार्टेज ले लेंगे तो पुर्तगाली क्या करेंगे, पुर्तगालियों का भी एक जहाज उनके पीछे पीछे चलेगा उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये कहते थे कि हम उनको सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये नजर रखते थे कि वो जो व्यापारी हैं जिन्होंने कार्टेज लिया हुआ है वो किस किस के साथ व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी हर एक्टिविटीज पे, गतिविधि पे ये नजर रखते थे। और अगर कोई कार्टेज नहीं लेगा तो उसके जहाज को यहां उस लूट लेंगे, डुबो देंगे, ठीक है। एक समय तो ऐसा आया था कि पुर्तगालियों का एक जो इमेज बन गया था वो यहां पर समुद्री डाकू का बन गया था। तो इस तरह से फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत
पूरे हिंद महासागर के पानी पे नियंत्रण किया और इस तरह से इसकी नीति के रूप में हम सिर्फ ब्लू वाटर पॉलिसी को देखते हैं। अब आते हैं यहां पर, ठीक है, इसने वाटर पे नियंत्रण करने की कोशिश की से लैंड पर, ठीक है, इसने कहां पे लैंड पे, तो ये आएगा और 1510 में ये गोवा जीत लेगा। गोवा किससे जीतेगा, गोवा जीतेगा, तो गोवा जीतेगा ये बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। बीजापुर, मैं आपको बता दूं कि बीजापुर दक्षिण भारत में पड़ता था एक समय 1347 में, 1347 में आप देखेंगे मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक का काल चल रहा था और उसी काल में एक साम्राज्य का यहां उदय होता है, वो साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, ठीक है। और बहमनी साम्राज्य बाद में टूट जाता है 5 राज्यों में, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, उसमें टूटेगा, तो उसी में एक बीजापुर यहां हुआ करता था, ठीक है। तो बीजापुर का सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा जीता। देखिए यहां पर लैंड जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं है, ठीक है, अब यहां पर लैंड जीतने का प्रयास हो रहा है, कहां, भारत में और भी क्षेत्रों में, जैसे फारस की खाड़ी में ओरमुज एक जगह है, फारस की खाड़ी में, तो ओरमुज भी इसने जीता, इधर एक मलक्का जगह है, ठीक है, जल संधि मलक्का है इधर इंडोनेशिया की तरफ, तो उस क्षेत्र में भी इसने, वहां पे भी कुछ लैंड, उस क्षेत्र के भी में भी कुछ लैंड था, तो वहां पे भी उसने, इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने वहां पे भी कब्जा किया था, ठीक है। तो गोवा इसने जीता, हरमुज इसने जीता 1515 में, ये फारस की खाड़ी में है, ठीक है, मलक्का के क्षेत्र में कुछ जगह, कुछ लैंड इसने जीते, अपने कैप्चर में किए, ठीक है। तो फोकस इसका लैंड पे था, ठीक है। अब देखिए कि इसका वाटर, इसका लैंड, अब लैंड पर अपना नियंत्रण, देखिए इसने पानी पे नियंत्रण बढ़ाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, इसने जमीन पे नियंत्रण बढ़ाने के लिए पहले तो गोवा जीता और फिर कुछ नीतियां चलाई, ठीक है, विवाह नीति और उसी का एक पार्ट सती भी था, ठीक है, मैं अभी बताता हूं कैसे ये सब, इसकी जो नीति है ना विवाह नीति, ये अपने विवाह नीति के लिए फेमस था, ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस था, कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो विवाह नीति क्या था, विवाह नीति के थ्रू भी इसने लैंड पर, लैंड पर, भारतीय लैंड पर, भारतीय जमीन पर को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, मैं बताऊंगा कैसे। एक बात यहां पर पहले देख लीजिए, गोवा 1510 में जब जीतता है उस समय गोवा जीता जाता है, गोवा बाद में पुर्तगालियों की राजधानी बनेगी भारत में, और वो कौन बनाएगा, एक गवर्नर आएगा नीनो डी कुन्हा, वो बनाएगा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा गोवा को बना देगा पुर्तगाली मुख्यालय या कैपिटल भारत में। उसके पहले चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों का समय मुख्यालय जो था वो कोचीन था, यहां पर एक जगह था कोचीन, यहीं पे एक जगह था कोचीन, अभी भी है कोचीन, आप जानते हैं, तो कोचीन में इनका मुख्यालय था। और कोचीन, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो वास्को डी गामा था 1498 में आता है, ठीक है, फिर 1502 में आएगा, तीन बार आता है वास्को डी गामा, 1498 में आता है, 1502 में आता है, और फिर 1524 में भी आएगा, ठीक है, और फिर 1527 में यहीं पर भारत में इसकी डेथ हो जाएगी। तो जब 1502 में आता है तो उसके बाद 1503 में कोचीन में यहां पर पहली कोठी बनाता है, कौन, वास्को डी गामा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये, हालांकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लैंड की बात की ही नहीं थी, लेकिन पहले से चूंकि वास्को डी गामा ने यहां पर एक कोठी बना दी थी, तो एक तरह से मुख्यालय के रूप में यहां पर कोचीन को ही देखा जा रहा था, इसके मुख्यालय के रूप में भी और इसके मुख्यालय के भी रूप में, मतलब दोनों का एक तरह से कैपिटल देख ले, राजधानी देख ले, तो उस समय कोचीन था। बाद में जब ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा जीतता है, तो उस समय गोवा जीतने के बाद 1510 में गोवा जीतेगा, और जब नीनो डी कुन्हा आएगा तो वो गोवा को राजधानी बनाएगा अपनी, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए इसी लैंड पॉलिसी के तहत इसकी विवाह नीति क्या थी, देखिए इसको ये लगा कि केवल हम जीत लेंगे, तो जीतते जाएंगे तो हम क्या है, गोवा को जाके जीत लेंगे, जमीन पे कब्जा कर लेंगे, तो इससे तो लोग नाराज भी तो थोड़े होंगे, तो सब चीज युद्ध से नहीं जीता जा सकता, ठीक है ना, सब कुछ जो है सिर्फ युद्ध नीति से नहीं जीता जा सकता, कुछ डिप्लोमेसी भी करनी पड़ेगी जमीन पे नियंत्रण बढ़ाने के लिए। तो उसने क्या डिप्लोमेसी चलाई, उसने कहा, उसने पुर्तगाली पुरुषों को प्रेरित किया कि आप भारतीय स्त्रियों से शादी करें,
ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब आप भारतीय स्त्रियों से शादी करेंगे तो एक तो पहला काम यह होगा कि ऐसे भी आप देखिए कि आपका जिनके यहां रिश्ता होता है, जिनके यहां वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो आपका जिनके यहां वैवाहिक संबंध स्थापित होगा तो आप उसके परिवार का हिस्सा हो जाते हैं और फिर आप उसका विरोध करना छोड़ देंगे। तो इसने कहा कि भाई अगर पुर्तगाली पुरुष भारतीय स्त्रियों से विवाह करते हैं तो पहला तो विरोध बंद होगा, जिस परिवार में शादी होगी वो परिवार उन पुर्तगालियों का विरोध करना छोड़ देगा, उनका विरोध तो नहीं करेगा क्योंकि वो रिश्तेदार हो गया। दूसरा, जो संतान होंगी आगे वो क्रिश्चियन होंगी, यानी कि इनका एक तरह से विवाह नीति और सती आप कह सकते हैं कि धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति भी कर रहा था। किसके? पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों के धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति भी कर रहा था। एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है एग्जाम में कि जो जितने भी यूरोपीय देश भारत आए, चाहे वो पुर्तगाल आए, चाहे वो डच आए, चाहे ब्रिटिशर्स आए, चाहे डेनमार्क आए, चाहे फ्रांस वाले आए, चाहे ये स्वीडिश आए, स्वीडन वाले आए, इन सब में सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य को लेकर भारत कौन आया था? तो यही पुर्तगाल आया था। सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य को लेकर भारत आने वाला यूरोपीय देश। देखिए ये जो पुर्तगाल है, हाँ, सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्यों के साथ भारत आया। बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य लेकर भारत कौन आया था? तो यही पुर्तगाली आए थे। तो देखिए ध्यान रखिएगा इसको, ये मैंने यहां पर एक सवाल, कई बार ये सवाल पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों में से सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्यों को लेकर भारत कौन आया था? तो पुर्तगाल आया था। आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो देखिए इसके धार्मिक उद्देश्य में ही ये विवाह नीति शामिल है, विवाह नीति के लिए ही जाना जाता है। तो पहले तो इसने गोवा पे कैप्चर किया, हरमुज पे कैप्चर किया, मलक्का के आसपास के कुछ लैंड पे कैप्चर किया, उसके बाद विवाह नीति चलाई। तो विवाह नीति के पीछे मैंने बताया कि एक तो जो ये इसने अब पुर्तगाली पुरुषों को प्रेरित किया कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करें, क्योंकि जिस घर में वैवाहिक संबंध बनेंगे वहां से वो भारतीय घर जो है, वो भारतीय परिवार जो है, वो पुर्तगालियों का विरोध नहीं करेंगे, कम से कम उसका तो नहीं करेंगे जो जिसकी शादी हुई है। ठीक है, तो एक तरह से एक पुर्तगाली तो बस गया, फिर ऐसे ही दूसरा पुर्तगाली करेगा, तीसरा पुर्तगाली करेगा। तो इस तरह से पुर्तगालियों का जो विरोध है धीरे धीरे वैवाहिक नीति से वो कम हो जाएगा। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा फायदा, विवाह के बाद जो संतान होगी वो कौन होगा? वो क्रिश्चियन होंगे, तो पुर्तगालियों के धार्मिक उद्देश्यों की भी पूर्ति होगी। ठीक है, यही चीज मैंने बताया। और तीसरा, उनका जनसंख्या भी भारत की जमीन पे बढ़ रहा है। पुर्तगालियों की जैसे जैसे एक पुर्तगाली और एक भारतीय विवाह जब करते हैं, पुर्तगाली पुरुष और भारतीय स्त्री की जब विवाह होगा उसके बाद जो संतान होगी, तो जनसंख्या भी तो उनका बढ़ रहा है, तो भारतीय जमीन पर अब पुर्तगालियों की जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो तीन चीजें हो गई, एक तो विरोध बंद हो गया विवाह नीति से, ठीक है, विरोध बंद हो गया, जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति भी हुई, तो तीनों चीजें हो रही हैं। तो इस तरह से देखिए जनसंख्या बढ़ाकर अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति भी कर रहा है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, और जमीन को भी कैप्चर करता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ेगी तो उस जमीन पर पुर्तगाली ही तो है। ठीक है, अब देखिए सती भी विवाह नीति का ही एक हिस्सा था। देखिए विवाह नीति पुर्तगालियों के धार्मिक उद्देश्य का हिस्सा था और इसी विवाह नीति का हिस्सा सती भी था। देखिए इन्होंने इसने सती बंद कर दिया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि जो विधवाएं, उसमें क्या था कि जो विधवाएं हैं उनको सती होना पड़ता था उस समय के समाज के हिसाब से, तो कौन चाहेगा भाई कि उसको जबरदस्ती मार दिया जाए? तो ये कहेंगे क्या कि हम आपको मौका दें, आप सती मत होइए, हमारे जो पुर्तगाली पुरुष हैं आपसे शादी करेंगे, ठीक है,
हमारे पुर्तगाली जो हैं वो शादी करेंगे, तो कौन सी स्त्री खुश नहीं होगी भाई, कौन सी महिला, चलो भाई उसको एक अच्छा जीवन भी मिल रहा है, एक तो कोई शादी कर रहा है, पहले तो उनको सती होना पड़ता था, मरना पड़ता था हस्बैंड की लाश के साथ, ठीक है, और अभी उनको एक नया जीवन मिल रहा है, नए तरीके से वे अपने जीवन को जी सकती हैं, भले ही दूसरे देश के लोग हों तो क्या हुआ, उनका जीवन तो बच रहा है। तो इससे क्या होगा, सती प्रथा की रोक से भी उसने क्या किया, अपने धार्मिक उद्देश्य की भी पूर्ति की। हाँ, लोग भारतीय जो विधवाएं थीं वो शादी करने के लिए उनको तैयार कर लेते थे ये लोग, उनको एक अच्छा जीवन के लालच, अच्छे जीवन के लालच में वो शादी भी करती थी, और फिर उनसे आगे जो संतान हुई फिर उससे भी जनसंख्या बढ़ी। तो देखिए, फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क ने फोकस किया लैंड पर, भारत में जमीन पर उसको अधिकार करते जाना है, और उस अधिकार के लिए उसने जहां युद्ध करना था युद्ध किया, जबरदस्ती कैप्चर करना था जबरदस्ती कैप्चर किया, उसके बाद कुछ धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने विवाह नीति चलाई, ठीक है, जिससे कि उसके धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई, भारतीय स्त्रियां पुर्तगाली पुरुषों से विवाह करने लगी, और इससे पुर्तगालियों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, ठीक है ना, तो वो जनसंख्या भारत की जमीन पे थी, तो भारत के जमीन पर इनडायरेक्टली पुर्तगाली जो है वो कैप्चर करने लगे विवाह नीति के माध्यम से। सती पर, सती की व्यवस्था पर जो रोक लगाई इसने, उसकी वजह से भी विवाह हुआ पुर्तगालियों की और भारतीय विधवाओं की। तो उससे क्या हुआ, उससे इन्होंने अपने धर्म का प्रचार भी किया, जनसंख्या भी बढ़ाया, और धीरे धीरे इस जनसंख्या के बढ़ने से भारत में पुर्तगालियों की जो तादाद है वो बढ़ने लगी। तो जब एक जमीन पे, भारत के जमीन पे पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो क्या होगा, इससे इनडायरेक्टली भारत की जमीन पे उनका नियंत्रण ही तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, तो एक तो विवाह नीति हो गई, ठीक है, सती इसने खत्म कर दिया, और खत्म करने का प्रयास किया आप कह सकते हैं, वो अपने फायदे के लिए ही था इनके, ये नहीं कह सकते हैं कि आप 100% की, हाँ जरूर ये हुआ कि सती भारतीय विधवाओं ने इनसे शादी की, हाँ, लेकिन ये नहीं हुआ कि वो इनके फायदे के लिए कर रहे थे, वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे, क्योंकि वो भारत में अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहते थे। और देखिए, इसका जो फोकस लैंड पे चला, लैंड पे रहा, जिसकी वजह से इसने अपनी धार्मिक नीति के तहत विवाह नीति चलाई और सती को खत्म करने का प्रयास किया, तो इस तरह से जो लैंड पे इसका फोकस रहा और लैंड पे इसने अच्छा खासा नियंत्रण स्थापित किया, इसी वजह से अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज रूल इन इंडिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल यहां से आता है। तो यही देखिए, यहां पर क्या था, यहां पर आपने देखा कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने पानी पे फोकस किया, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई या शांत जल की नीति चलाई या नीले जल की नीति चलाई, जिसके तहत इसने नियंत्रण किया कहां पे, हिंद महासागर के क्षेत्र में, और एक समय ऐसा आया कि हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा। तो इसने फोकस किया पानी पे, जबकि इसने फोकस किया लैंड पे, जहां हो सका गोवा में, हरमूज में, मलक्का में, उसने क्या किया, इस तरफ, मतलब भारत में और कुछ ईस्ट के देशों में, पूर्वी देशों में, इसने जहां तक हो सका लैंड को डायरेक्ट युद्ध के जरिए जबरदस्ती कैप्चर करने की कोशिश की, नहीं हो सका तो कुछ नीति चलाई भारत में, जैसे विवाह नीति, हाँ, धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवाह नीति चलाई, सती प्रथा खत्म करने का प्रयास किया, और उसके तहत इसने जनसंख्या बढ़ाई भारत में पुर्तगालियों की, तो इससे भी लैंड पे नियंत्रण बढ़ता गया पुर्तगालियों का, और इसीलिए इसे कहते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद ही रखना है, हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा, जो सवाल बनेगा, हमने कंपैरेटिव स्टडी कर लिया, ये प्रथम गवर्नर, ये द्वितीय गवर्नर, इसका फोकस पानी पे, इसका फोकस लैंड पे, इसकी प्रमुख नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, तो इसकी प्रमुख नीति विवाह नीति,
और विवाह नीति किस नीति के तहत? धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के तहत जो इसने नीति चलाई उसी नीति के तहत यह विवाह नीति और सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था? नियंत्रण। कहां पर नियंत्रण? इस हिंद महासागर के क्षेत्र में, और एक समय इसको पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा था। इनको ये ऐसा हो गया था, मैंने बताया था, ये जो कार्टेज प्रणाली मैंने बताया, ये कार्टेज प्रणाली देखिए, ये कार्टेज प्रणाली ऐसी थी कि यहाँ पे परमिट लेना पड़ता था यहाँ पर व्यापार करने के लिए, और एक समय ऐसा था कि मुगल बादशाह अकबर भी पुर्तगालियों से ये कार्टेज लेता था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, देखिए सब कुछ यहाँ से निकलेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी निकलेंगे। और अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए कहा जाए, कुछ लिखने के, ये तो मैंने कंपैरेटिव स्टडी ये कर दिया, यदि शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए तो शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, हाँ, बड़ी आराम से दोनों की तुलना करते हुए आप लिख देंगे 200-400-500 वर्ड, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आपका एक क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है वो तैयार हो जाएगा, और तमाम तरह के ऑब्जेक्टिव जो हैं यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।